व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स? सो अब हम ये भी क्लियर हो जाते हैं कि लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जब भी कोई आपको प्रेजेंट करता है तो आप उसको क्लियरली समझ सके कि किस किस चीज के लिए लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होते हैं। सो लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, तीन तरह के लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होते हैं। फर्स्ट लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। सेकेंड टाइप ऑफ लैंड ड्यू डिलिजेंस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्टी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। और थर्ड टाइप ऑफ लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। सेकेंड पार्टी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, इट इज प्राइमा फेसी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, फर्स्ट पार्टी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड थर्ड पार्टी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। लेट अस अंडरस्टैंड वो कब कब काम आते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में when you go ahead, when you explore the land and when you understand land ki kahan kahan pe land available hai aur mujhe acquisition karne ki zarurat hai ki nahi hai ya main karun ki nahi karun, us stage mein jab exploration hota hai land ka, us samay you do prima facie land due diligence report ki land revenue land authorities ke paas records available hai ki nahi hai, jo substation hai uske paas hai ki nahi hai, all these factors are taking technical due diligence होती है और land का prima facie understanding होती है, basic documents available है कि नहीं है, आप analyze करते हो अपने options को, तब आप prima facie land due diligence report करते हो। once you have identified, so prima facie land due diligence report के बाद आप agreement to sell कर सकते हो farmer से, so that वो कहीं higher cost में कहीं और land ना बेच दे, या टू सिक्योर योर राइट्स ऑन द लैंड आप प्राइमा फेसी लैंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करके एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हो। सो फर्स्ट स्टेज है आपको स्टेज वन अगर आप कहें, एंड स्टेज वन में रेड फ्लैग्स भी आप लगा लेते हो कि कहां का इशू और कहां का इशू नहीं है, देन यू टेक अ डिसीजन एंड देन यू डू एग्रीमेंट टू सेल। आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड के बीच में आप जनरली फर्स्ट पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करते हो। फर्स्ट पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज एग्जॉस्टिव ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ दैट पार्सल ऑफ लैंड। अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो 8 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आप लेकर के ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हो, पूरी चेन बनाते हो। अगर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है देन 8+3 दैट मींस 11 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू कलेक्ट एंड देन यू प्रिपेयर अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड चेन। देयर इज अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, 70 चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट आप फुलफिल करते हो कि लैंड फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, चेंज इन लैंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड है, ऑल द फैक्ट्स, एक्विजिशन में तो नहीं है लैंड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट चेकलिस्ट। वंस यू हैव डन फर्स्ट पार्टी ड्यू डिलिजेंस देन यू गो फॉर अ सेल डीड या कन्वेयंस डीड या ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं उसको। ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट के बाद हमेशा आपकी थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होगी। सो फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमा फेसी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना लिया, प्राइमा फेसी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के बाद आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, आपने सिक्योर कर लिया अपने राइट, उसके बाद आपने सारे 8 सेट्स और 11 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके अपनी फर्स्ट पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना लिया एंड देन योर लॉयर्स एंड यू आर कंफर्टेबल दैट यस दिस प्रॉपर्टी इज वर्थ परचेजिंग। और अगर वहां पे कोई रेड फ्लैग है या कोई इश्यूज है तो आपने उसको इशू को मिटिगेट करने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेप्स ले लिए। अगर डॉक्यूमेंट की चेन मिसिंग है तो आपने बोला चलिए हम पेपर में एड दे देते हैं न्यूज़पेपर में, दो वर्नैकुलर लैंग्वेज में, एंड एक पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं एनसीआर नॉन कॉग्नाइजेबल कंप्लेंट की दीज डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग। सो इस तरह के जो भी मिटिगेटिंग स्टेप्स है वो आपने ले लिया, उसके बाद आपने कर लिया सेल डीड। सेल डीड करने के बाद अब उस प्रोजेक्ट का हमेशा थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होगा। थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मींस कि जब भी कोई बैंकर आपसे बोलेगा कि दे वांट टू रीफाइनेंस यू और फाइनेंस यू, दे विल आस्क फॉर अ थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। जब भी एक न्यू ट्रांजेक्शन होगा, इफ सम न्यू ओनर इज कमिंग अप, ही विल डू थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, दैट इज स्टेज 3। स्टेज 3 में व्हाट यू डू इज एवरी ईयर यू डू एनुअल सर्चेस, एक तरह से एक लीगल ऑडिट होती है, सो दैट एनकमरेंस ये पता चल जाए कि भाई पिछले साल तो सब कुछ ठीक था, इस साल में एक साल में कोई एनकमरेंस तो नहीं हुआ है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, कोई रेवेन्यू का नोटिस तो नहीं आया है। सो दिस इज हाउ थर्ड पार्टी कंटिन्यूज। तो थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस एक बार, दो बार, तीन बार रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द बैंकर्स, इट डिपेंड्स ऑन जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं प्रॉपर्टी पे, इसके हिसाब से होती है। अब इसको मिटिगेट, अब अपने प्रोजेक्ट को सेफ रखने के लिए थ्रू आउट, बिफोर एग्रीमेंट टू सेल, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल एंड बिफोर सेल, आफ्टर सेल, थर्ड पार्टी में देर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो तीन बेस्ट प्रैक्टिसेस है जब अगर आपका सोलर प्लांट बन गया है, लैंड एक्विजिशन हो गई है, और तीन बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक तो एनुअल सर्चेस होनी चाहिए, एनुअल ऑडिट होनी चाहिए, सो दैट लिटिगेशन इज यू नो मिटिगेटेड। सेकेंड इज जो लैंड डॉक्यूमेंट्स है उनके हमेशा 3 सेट्स बना के रखने चाहिए, ओरिजिनल प्लस 3 सेट्स, क्योंकि देयर हैव बीन केसेस 10-20-30 साल बाद केसेस जब आते हैं लैंड के,
तब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं कंपनीज के पास, दे आर नॉट सेफली कैप्ट एक्चुअली. थर्ड इज ऑलवेज योर वन पर्सन शुड बी अवेलेबल हु इज कोऑर्डिनेटिंग विद रेवेन्यू अथॉरिटीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर सोलर प्लांट. सो टू सम इट अप, देयर आर थ्री स्टेजेस वेयर लैंड डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. स्टेज वन इट इज प्राइमा फेसी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. स्टेज टू इज, एंड उसको क्वेश्चन ये होते हैं कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद सोलर लैंड एक्विजिशन बिफोर ट्रांजेक्शन, ये प्राइमा फेसी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डील विद सोलर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग लैंड ट्रांजेक्शन, देन यू गो फॉर फर्स्ट पार्टी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. हाउ टू डील विद सोलर प्रोजेक्ट पोस्ट लैंड ट्रांजेक्शन, तब आप जाते हो एनुअल ऑडिट और एनुअल सर्चेस पे. सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर कि कितनी तरह के ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होती है. एंड बैक टू यू सैम.